सूबे दे विच पई भारी बरसात ने हर पासे कहर मचा दिता है। पिछले दिन हुई बरसात ने श्री आनंदपुर साहब के पिंडा दे विच तबाही मचा दी ते हर पासे पानी ही पानी भर गया। बेशक हुण इन्हां पिंडा दे विच बरसात दा पानी सब कुछ तबाह करके अगे वल चला गया, पर पिछे दीआं तस्वीरां अजे भी डरावणियां हन। जिस हिसाब नाल बरसात दे पानी ने इन्हां पिंडा दे विच तबाही मचाई है, इस दे नाल सब तों ज़्यादा नुकसान पिंडा दे विच रह रहे लोगों का होया है। इस बरसात दे पानी ने पक्के मकानां नूं भी नहीं बख्शा। जिमीदारां दे खेतां दे विच खड़ी हुई फसल इस बरसात दे पानी दी भेंट चढ़ गई ते पशुआं दे लई बीजे होए चारा भी इस बरसात दे पानी दी भेंट चढ़ गया। जिथे ना जिमीदारां दी लखां रुपए की उपजाऊ जमीन इस पानी दी चपेट दे विच आ गई, उत्थे ही बेजवान पशुआं दे लई चारे दी समस्या भी खड़ी हो गई। जिमीदारां नूं अपने पशुआं दे लई चारे दे लई बहुत औखा हो गया है, क्योंकि इन्हां पशुआं नूं हरा चारा भी देना जरूरी हुंदा है, क्योंकि इकली तूड़ी नाल पशुआं दा गुजारा नहीं हुंदा। श्री आनंदपुर साहिब दे नाल लगदे पिंडां दे जिमीदारां ने गलबात करदे होए दस्सिया कि मौजूदा सरकार ते प्रशासन अगे उन्हां दी बेनती है कि उन्हां दी समस्या दा हल कीता जावे ते उन्हां दे नुकसान दा जिथे मुआवजा दिता जावे उत्थे ही बेजवान पशुआं दे लई चारे दा भी कोई इंतजाम कीता जावे। उन्हें कहा इस दे नाल ही सतलुज दरिया नूं भी जिस तरह हिमाचल ने अपनी सारियां खड्डां नूं पक्का कीता है, ठीक उस तरह सतलुज दरिया ते भी बन बना के इस नूं पक्का कीता जावे तां जो आने वाले समय दे विच होर नुकसान ना होवे। देखो गलबात करदे हां किसानां ने की कहा। नंगल सिटी अपडेट दे लई अविनाश शर्मा दी रिपोर्ट। नाम दस्स दो पंडवास। मैं निर्मल सिंह महदली कलां हरियाल। मीह नाल घरां च पानी तां बड़िया ही है, बर्बादी तां बहुत हुई, फसलां भी खराब हो गईआं ते घरां च भी घर भी टुट गए। पर जिहड़ी हुण इस टाइम मीह आण तों मगरों प्रॉब्लम आ रही है ना जी, इह मझां दे चारे दी बहुत वड्डा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिहड़े घाह है चरी बीजी थी, बाजरा बीजे तां मक्की बीजी थी, उह तां बिल्कुल 100% तहस नहस हो गई। हुण मझां दा जिहड़ा है इस टाइम बहुत बुरा हाल है, चारे दी बहुत प्रॉब्लम है। इस करके असीं प्रशासन नूं बेनती करदे हैं ते समाज सेवी संस्था नूं भी साडी अपील है भी जिहड़े चारे दी है, क्योंकि बेजवान जिहड़ा धन है पशु धन है, इन्हां नाल तां खाणा दा चारा ही है, तूड़ी खाणी सुक्की तूड़ी भी किन्ने दिन खाऊंगे, ते इन्हां दी जिहड़ी बहुत इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है। सुक्की इस टाइम तूड़ी पा रहे जी, बिच कोई माड़ा मोटा बंड बड़ेवा पा के वही चलिया करा, जो बूटे जो हरे आ हरे दरख्त उन्होंने कुदर के पा रहे हैं। इस घाह का जो बिल्कुल 100% खराब हो गया भाजी, इस टाइम पूरा खराब है। हाँ जी सिंह जी, हड़ तो बाद देख लो थोड़े सामने जी, हड़ तो बाद सारा नुकसान है जी, टोटल पिंड में मार पई साडी तां, साडू आ देखो सारा मकान साडा मतलब खर गया सारा जी, पिछो असीं तां हुण फट फट के पैसे लै करदे महाराज, बहुत बुरा हाल है साडा जी। मंत्री साहब आए थे, बस जायजा लैके चल गए जी, वो कहिंदे कर दे कोई हल, अच्छा तां यही प्रशासन नूं यही कह रहे भी साडा कोई हल छेती 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 करो, क्योंकि साडा तां बुरा हाल है जी, मकान हड़ने वाला है जी। ठीक है जी, असीं आ फट फट के पैसे लाया करते, साडा हाल खराब है जी। बन तो चैनल लाइस होया बंदा तां यह नौबत ही नहीं आनी थी जी, चैनल लाइस होया बंदा तां यह नौबत 100% नहीं आनी थी जी, क्योंकि सारा ही देखो तुसीं सारा बुरा हाल है जी, सारा पिंड च पानी पड़ गया, बहुत पिंड दा ही तकरीबन पिंड साढ़े सारा मतलब पानी जता उस टाइम। चलो परमात्मा ने जो टाइम दिता है जी, हुण तां प्रशासन नूं असीं यही मांग करदे कि ज़्यादा चैनलाइज करो, उन्हूं पक्का प्रॉपर करो जी, कि आन वाले जिहड़ा अगे समा आना बरसात आनी उहदे विच आ काम ना करो, पर ज़्यादा थोड़ा जिहा स्पीड करो ज़्यादा काम ना, क्योंकि ये जिन्ना जल्दी हो जाए उन्ना ही बेहतर है। ठीक है जी, अच्छा तां प्रशासन नूं यही बेनती करदे। गुरनाम सिंह जी, पिंड महंदली कला जी। ये पानी भर गया जी खेतों के, पानी आया दरिया का बहुत ज्यादा जी बरसात का, उहदे करके गड़न लग गए जी, डुबन लग गए, तो हुण पानी कढ रहे हैं जी, ट्रैक्टर लाए कल का चल रहा ट्रैक्टर, ये हुण गड़न लग गए गर्म पानी हो के जी, एक चारे की बहुत तंगी है जी, पशुआं नूं चारा नहीं रहा, सारा चारा खत्म हो गया जी, पानी ने बर्बाद करता, जिहड़ा पणे वाला पानी आया उहने सारा ही लपेटता चारा जिन्ना का, बहुत बर्बादी हो गई जी, फसल नहीं रही बिल्कुल भी, किसी की मक्की नहीं रही, किसी के धान नहीं रहे, कितों पैलियां पटती जी इन्हें, कितें मिट्टी पाती दबती फसल जी, बहुत नुकसान होया जी। प्रशासन तो यह जी चारे का हल हो जाए कितों ना कितों पशुआं नूं, चलो दो चार दिन का कितों ना कितों सर जाए पशुआं का चारा हो जाए, उस तो बाद जो पानी है जी ये बन बुन पक्के लग जाए दरिया माल कढ के चैनल लैज हो जाए तो यह सारा रोग चक हो जाए जी।
उम्र भर का यही आई बरसात यही पंगा जी। बहुत सालों तो यह कह रही सरकार इन चैनलाइज कर देंगे कोई नहीं जी करता बस यही है ठोकरा ठोकरा ला के माड़िया मोटिया साल टपा देंगे जी बस। हाँ जी बलवीर चंद हरियाल पिंड मुश्किल वा घा कख दिया बाकी दाना फक्का कितने होना हूं नुकसान तो फिर पता ही है देखो कख भी ना फसल खराब हुई चारा क्या क्या हो चारा सारा ही हो गया हूं पाने है नहीं कख भी वाले दुआले हूं डंगर माड़ा मोटा सड़का सुड़का दे हरा तो पाना ही है नहीं रहा कख भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी पूरे खेत पानी गया तबाही करते हैं जी फसल जी बीजे जी वह भी खत्म हो गया जी चारे चूने सब सड़ गए खत्म हो गए दब हो गए चीजा पसले हो गए रास्ता टुट गया लिंक सड़क का जी यही सड़क का जी अपने बोल बन जी पानी में ठोकर डंगे सब गेटते सड़क जी लंबर आ गया सड़क भी खत्म हो गई जी उसे बोले बोले लारे लगे रास्ता काम लंघा वास्ते जी। हाँ जी पशुआ का हम जी बस चारा चूरा सब खत्म हो जी सुके सुके चूर चूट पाने जी प्रशासन या सरकार आई हो गए इस तरह कोई नहीं आया जी उस बैस साहब देख के कदम मुका जी वो कहे चल बोलिया लागे सारा चलता काम करा दे जी बाकी देखो की आता की कुछ करता प्रशासन। हाँ जी काम कच्चिया ठोकर ला दें डेर भी शहर बड़ा बनाया ला ही ठोकर भी स्टार्ट और सब चक भी थे स्टार्ट जी। हाँ जी जी पहला मैंने होनी मैंने भी चकती ज्यादा इस काम जी सर डूंगा होना दरिया उपरों फिर खाड़ पीजे जी। हाँ जी सड़क बन दी रास्ता दिता जी फिर तो पक्का बनना चाहिए जी पक्के डंगे लगे सीमेंट पक्के तार हो गए जी जा फिर बिचो सेंट चो डेम बिचो कढ़ के मतलब दुबले माल आया वह सपोर्ट हो जी। हाँ जी और उपर को दरिया कि डूंगा किता जी इतना डूंगा हो बिचो फिर पानी बिचो लाइज जी ये पानी हो गया सारा खेत नुकसान करता जी फसल नुकसान करता जी। हाँ जी नुकसान तो साडा जी बहुत है जी खेतों के पानी का चारे का घर च पानी बढ़ गया जी बाकी मक्की सारी बर्बाद हो गई जी खेत भी हड़ गए समा दिन बच्चे मिट्टी हड़ गई फेस हड़ गए तो डंगर का बड़ा औखा जी चारे का जी ये करके अभी तो प्रशासन तो मांग करते को साडा को हल किया जाए जी हूँ तो बड़ा औखा काम है जी दरड़ आटा वटाका पाई तूड़ी के सुखा उ पाई दा। हाँ जी ये सरकार को यही अपील है साड़ी जी भी साडा कोई हल किया जाए कि पानी का भी कोई पक्का हल किया जाए तो साढ़े चारे का डंगर का कोई हल किया जाए। ये मेरे छोटे ब्रदर की कोठी है जी बेचारा मुंडा दिक्कत सानू है जी जो हर चार पांच साल बाद हड़ आना जी सब तो पहले तो सरकार दे राइट बनता पिछली सरकार का भी जे अज हिमाचल वांगू चैनलाइज दरिया हो कंडीशन नहीं देखनी पैनी थी तो हूँ चलो कुरी कुदरती आफत है इन्हों तो कोई रोक नहीं सकता बाकी अब सा नुकसान जरा हो ढाई तीन लख का भी पिंड के सहयोग न कोई रिश्तेदार सहयोग न हो रहा भी मेरी सरकार अगर बेनती है भी साडा कुछ मन मुटा बह फड़िया के तो कोई मदद की जाए बाकी चैनलाइज हो जाए तो सब तो वधिया जी। पंजाब के बहुत सारे हिस्से इस वक्त पानी की बहुत भारी मार हेठ है मैं महामारी का परमात्मा का शुक्रगुजार करना कि साढ़े हल्के पानी तो बहुत है पर फिर भी जानी माली नुकसान तो बचा रहे नंगल शहर बचा रहे हालांकि बरसात बहुत है डैम के नाल वसिया हुआ शहर है पर फिर भी बहुत वड्डी कृपा हुई है साढ़े इत्थे ते कोई वड्डा जानी नुकसान नहीं होया ते मैं यही प्रार्थना करदा अरदास करदा कि अगे भी ना होवे। पिंडां दे विच पानी आया सी उत्थे मैडिकल कैंप लग चुके ने या अज लग जाएंगे क्योंकि जो हड़ आता तो बहुत सारी फसल तो चारा खराब होंदा तो अज ही अपने हल्के दे विच कई जगह जिहड़ा पशुआं दे चारे का कैंप है वह भी असी फ्री वंड रहे हैं जिहड़ा लोड़वंद है वह आके आलोवाल कीरतपुर साहब मेधा माजरा भी आवांगे आनंदपुर साहब प्लस